क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज ये करानी है, फ्यूजिकल ड्राइव कैसे करानी है, हाँ कितनी स्पीड रखनी प्रोग्राम है, का बटन कितनी स्पीड वन है और क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्या करना है। F4 में 25 हर्ट्ज, F5 में 240 वोल्ट, F6 में 240 वोल्ट, F07 में 1.50, F08 डी एक्सीलेशन है ये 0.0, F09 में 6.8, F10 में 1, F11 में 3.29, F12 में 5.0, F14 में 1, F15 में 70, F16 में 0.0, F18 में 0.0, F20 में 0.0, F21 में 0, F22 में 0.00, F23 में 1.0, F24 में 0.00, F25 में 0.20, F26 में 2, F27 में 0, F30 में 100, F31 में 0, F37 में 1, F39 में 0.00, F42 में 0, F43 में 0, ई में देखेंगे, ई में 0.2 में 7, 0.3 में 8, E10 में 6, E11 में 6, E20 में 0, E27 में 99, E30 में 2.5, E31 में 60.0, E32 में 1.0, E35 में, E37, E39 और ऑन किया मैंने, तो हमने अभी फ्रिक्वेंसी जो है 40.03 और ये पॉट पे रखा हुआ, देखो पॉट पे चेंज कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से कम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इसको अभी ये जो है ना हमारा मैनुअल मोड में नहीं है और हमारा रिमोट मोड में है और लोकल मोड में नहीं है। तो सबसे पहले हम फंक्शन को समझते हैं, सबसे पहले फंक्शन पर जाएंगे तो एफ वाला जो भी फंक्शन आएगा वो इस पे आएगा, देखो एफ वाला आ गया। अगर
ई वाले पे जाना है, तो ई वाला आ गया। वैसे ही सी पे जाना है, सी वाला आ गया। पी वाले पे जाना है तो पी वाला आ गया। एच वाले पे जाना तो एच वाला आ गया। ए वाला, जे, वाई, फिर से एफ। तो सबसे पहले एफ में ही चलते हैं। एफ जीरो जीरो जो है फ्रेंड्स, एफ जीरो डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम जीरो रखेंगे तो डिजेबल होगा, वन रखेंगे तो इनेबल हो जाएगा। वन पे चलते हैं, जीरो वन पे इंटर करते हैं तो यहाँ पे चार है, यही है फ्रिक्वेंसी का ये सोर्स इनपुट। तो हमने चार मतलब पोर्ट रखा हुआ है। अगर यहाँ पे हम जीरो रख देंगे तो कीपैड से हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वन रख देंगे तो एनालॉग वोल्टेज इनपुट हो जाएगा, टू एनालॉग करंट इनपुट हो जाएगा, थ्री एनालॉग वोल्टेज इनपुट हो जाएगा, लेकिन इसमें टर्मिनल 12 और एनालॉग इनपुट टर्मिनल C1 दोनों फंक्शन यूज करेगा। इसमें फ्रेंड्स हमारा वन जो है वोल्टेज इनपुट है, एनालॉग वोल्टेज इनपुट जो है एनालॉग करंट इनपुट है। ये हमारा C1 जो टर्मिनल है 420 मिली एम्पियर में यूज करना हो तो, ये थ्री जो है ये हमारा एनालॉग वोल्टेज इनपुट और एनालॉग करंट इनपुट दोनों यूज कर सकते हैं। अभी हम F02 में हमें F01 में हमें 4 रखना है। F02 है फ्रेंड्स हमारा आउटपुट मेथड। तो हम आउटपुट मेथड में हमें क्या रखना है, अभी वन रखा हो, वन मतलब कि एक्सटर्नल जो भी डिजिटल आउटपुट है उस पे है रन, इस पे नहीं है। अगर इसको लोकल पे रखना होगा तो हमें टू रखना होगा हमारा, ये जीरो है। अगर टू कर देंगे तो फॉरवर्ड ऑपरेशन मिलेगा, या तो चालू हो गया फॉरवर्ड में ही चालू होगा, हमेशा बंद हो गया। ये फॉरवर्ड के लिए टू और रिवर्स के लिए थ्री, हमें वन रखना है अभी यहाँ पे, लोकल पे नहीं रखना है, रिमोट पे रखना है। अब F03 है फ्रेंड्स मैक्सिमम आउटपुट फ्रिक्वेंसी। F04 है 50 रखा हुआ है। F04 है फ्रेंड्स बेस फ्रिक्वेंसी। F05 हमारा जो है ये रेटेड वोल्टेज है। F07 हमारा एक्सलेशन टाइम है, F07 2 रखा हुआ है। F08 डीएक्सलेशन टाइम पे ये भी 2 है। F09 जो है ये टॉर्क बूस्ट है, तो टॉर्क बूस्ट 1 में हमने 6.9 रखा है, ये लिफ्ट एप्लीकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। F10 है ये थर्मल ओवरलोड रिले प्रोटेक्शन है, जो हमें ऑन रखना है, इनेबल रखना है। 11 हमारा एम्पियर है, कितना एम्पियर पर ट्रिप मारा होना है, ओवरलोड एम्पियर है मैक्सिमम एम्पियर। F12 जो है फ्रेंड ये हमारा F14 जो है ये अगर रीस्टार्ट होता है तो अपने आप स्टार्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं हमारे इम्पोर्टेंट पैरामीटर, हमारा जो ये दोनों हमने स्पीड सेलेक्ट किया है, सेकंड स्पीड और थर्ड स्पीड, X1 X2 जो हमारा इसका पैरामीटर कहाँ है। तो इसका पैरामीटर फ्रेंड्स है हमारा E01 E02 पे। E01 ये पे जीरो रखा हुआ है,
जीरो मतलब कि हमारा सेकंड स्पीड, फिर वापस आते हैं टी जीरो टू पे, ये वन रखा है मतलब थर्ड स्पीड, यही हमने एक्स वन एक्स टू में रखा है। और इसका स्पीड कहाँ चेक करना है, इसका स्पीड जो हमें चेंज करना है तो हमें सी वाले टर्मिनल पे जाना पड़ेगा, सी जीरो वन सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइव, सी फाइव पर जो स्पीड आएगा वो हमारा एक्स वन का स्पीड आएगा। तो ये छः रखा है हमने, इसीलिए सेकंड स्पीड में छः रखा है। सी सिक्स जो है ये थर्ड स्पीड है, इस पर हमने 16 रखा, तो यहाँ से हम स्पीड चेंज कर सकते हैं इसका। इसके अलावा फ्रेंड्स जो हमारा है, हमारा रिले का कहाँ यूज करना, तो उसका उसको हमारा जो है ई वाले टर्मिनल पे है, ई जीरो ई 27 पे हमारा इस ये रिले का, और ई 20 पे ये रिले का 35 सेट कर रखा है। 35 सेट रखा मतलब कि जैसे हमारा इन्वर्टर का आउटपुट आएगा तो वैसे ही हमारा रिले ऑन हो जाएगा, उसी हिसाब से हमने अभी इस पर रखा हुआ है कि जैसे ये ऑन होगा उसे हमारा ब्रेक का कॉन्टैक्टर लग जाएगा, ये भी ओके। बाकी हम चलते हैं टी वाले टर्मिनल पे, टी मोटर का टर्मिनल है फ्रेंड्स। तो मोटर में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारा मोटर का कैपेसिटी क्या सेट करना है, वो है मोटर ट्यूनिंग भी यहीं से करना है। तो P02 है ये हमारा रेटेड कैपेसिटी है, ये 1.5 किलोवाट रखा हुआ हमने, ये किलोवाट में है। P03 जो है ये रेटेड करंट है, ये 3.10 हमारा रेटेड करंट रखा हुआ है। इसके अलावा चलते हैं P04 पे, ये ऑटो ट्यूनिंग है, अगर ऑटो ट्यूनिंग हमें यहाँ पे करना है तो हमारा जीले अभी 0 है डिजेबल्ड है, अगर 1 है तो हमारा जो है स्टॉप ट्यूनिंग हो जाएगा, बंद कर देगा, और 2 कर देंगे तो ट्यूनिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें तो ऑटो ट्यूनिंग तो करने के लिए 2 रखना पड़ेगा यहाँ पे, फिर ऑटोमेटिक ही ऑटो ट्यूनिंग करेगा, फिर ऑटो ट्यूनिंग बंद करने के लिए 1 कर। तीनों की मशीन है, चलाओ चलाओ। ये स्टॉपर है ऑन ऑफ करने वाला, और ये इसकी ड्राइव है, चलाओ। चलो साथ को भेज देते हैं।